इंडिया पाकिस्तान एयर फोर्स पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच सूत्रों की माने तो भारतीय वायुसेना ने LOC पार कर पॉक में घुसकर जैश-ए- मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया है। वायुसेना ने मंगलवार तड़के 3.30 बजे ये स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन में 12 मिराज लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि भारत की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनातनी बरकरार। पाकिस्तान का आरोप, भारतीय वायुसेना के विमान POK में घुसे पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने ट्वीट कर लगाया आरोप। सूत्रों की माने तो भारत ने तबाह किए आतंकी ठिकाने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर भारतीय वायुसेना को बधाई दी है। सूत्रों की माने तो इस ऑपरेशन से पहले ही जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच गया था। मसूद अजहर पंजाब की तरफ भाग गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन भी कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी से मिले। आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान में मौजूद 13 आतंकी लॉन्च पैड की जानकारी थी, जिसमें से बालाकोट को नष्ट किया गया है। बीते कुछ दिनों से सेना इन लॉन्च पैड पर नजर बनाए हुए थी। एक तरफ भारतीय वायुसेना ने बॉर्डर पार कर पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने एक्शन शुरू कर दिया। सूत्रों की माने तो भारतीय वायुसेना और आर्मी कुछ देर में मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि 1971 के बाद ये पहली बार है जब वायुसेना का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया कि अभी तक इस स्ट्राइक की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान बौखला रहा है उससे लगता है कि ये सच है। पाकिस्तानी पत्रकार अरसलान सिद्दीकी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर पाकिस्तान सेना भारतीय लड़ाकू विमानों पर गोली दाग रहे हैं और विमान वहां से लौटते नजर आ रहा है। हालांकि इस वीडियो को पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो इस ऑपरेशन में पॉक के बालाकोट, चकोती और मुजफ्फराबाद में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया है। यहां तीनों जगह जैश-ए-मोहम्मद के Alpha-3 ठिकाने थे जहां पर तबाही की गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि अगर ये बात सच है तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, लेकिन हमें इस पर भारत सरकार के आधिकारिक बयान का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी ये देखना होगा पाकिस्तान इस कार्रवाई का किस तरह जवाब देता है। सूत्रों की माने तो भारतीय वायुसेना ने करीब 1000 किलोग्राम बम का इस्तेमाल किया है। इसका इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए किया गया है। सूत्रों की माने तो भारतीय वायुसेना ने मंगलवार सुबह 3.30 बजे बहुत बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय एयरफोर्स के कई विमानों से तटके LOC पार कर POK में बड़ी कार्रवाई की गई। वायुसेना ने उस पार स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इस दौरान वायुसेना ने बमबारी की और कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ऐसी अपलोड न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।